रोशी रोटेला या फिर सोनम बाजवा, सोनम भी नसीम शाह की दीवानी निकली। नसीम शाह नए स्कैंडल में फंस गए। मीडिया पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले नसीम शाह और रोशी रोटेला सोशल मीडिया की मुख्तलिफ खबरों में एक साथ जेर गर्दिश रहे और अब नसीम शाह पर भारतीय सरजमीन की एक और पंजाबी फिल्मों की हसीना सोनम बाजवा फिदा हो गई, जिसके बाद भारतीय सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया है। भारतीय अदाकारा सोनम बाजवा ने पाकिस्तानी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह की वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल की स्टोरी में शेयर की, जिसने सोशल मीडिया सार्फिन समेत मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली, जिसके बाद इंस्टाग्राम पर वीडियो जंगल में आग की तरह तेजी से फैल गई है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कप्तान बाबर आजम नन्हे मदाह को ऑटोग्राफ दिए बगैर लिफ्ट में सवार होकर वहां से चले जाते हैं। बाबर आजम के जाने के बाद नन्हा मदाह रो पड़ता है। बच्चे को रोता देखकर नसीम शाह नन्हे बच्चे को दिलासा देने के लिए उसके पास जाते हैं और फिर छोटे मदाह को अपने नाम का ऑटोग्राफ देने के बाद सेल्फी भी बनाते हैं। इस दौरान नसीम शाह ने बच्चे का दिल खुश करने के लिए ये भी कहा कि वो बाबर आजम का ऑटोग्राफ भी दे सकते हैं। सोनम बाजवा ने नसीम शाह की नर्म मिजाजी और दया दिली को खूब सराहते हुए वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की है और साथ ही फास्ट बॉलर के इस अमल को क्यूट करार दिया। और अब ये अल्लाह ही जाने सोनम बाजवा को नसीम शाह का हुस्न अखलाक पसंद आया है या फिर मामला कुछ और है।